हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ छठ घाट पे जाने के लिए। मैंने ये फ्रॉक सूट वेयर किया हुआ है जो कि मैं पहली बार ब्लॉग में पहनी हुई हूँ। और आज सुबह का अर्घ देने वाला है छठ पूजा, तो जो पहला वीडियो देखा हो उस पर था शाम का और कोसी जैसे भरा गया था वो वाला ब्लॉग। अभी मैं स्टार्ट करूँगी सुबह का अर्घ का ब्लॉग और बुआ का जो फंक्शन है उसका पूजन का ब्लॉग। तो ब्लॉग पर बने रहिएगा, ब्लॉग इन तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए जाते बातें नहीं करते हैं, आपको चलते हैं घाट पे लेके और दिखाते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। सो फ्रेंड, यहाँ मैं आ गई थी सुबह में बुआ वाले घर पे, बुआ के घर घाट पे। सुबह में मॉर्निंग में मैंने अपने वाले घाट पे पूजा की और सुबह में मैं बुआ के वहाँ आ गई थी। रात में ही आ गई थी तो सुबह बुआ वाले घाट पे गई थी और यहाँ पे भी घाट की बहुत अच्छी से सजावट की गई थी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम, मतलब जब से मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं बुआ वहाँ छठ पूजा में थी घाट पर, तो बहुत ही अच्छा लगा। और पीछे से नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ में हूँ मैं और आप लोग का वीडियो देना रोज़ बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ भीड़ में ही। और अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ नहा धो के, तो एडिट कर रही हूँ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, आज है 22 तारीख, आज हवन है बुआ वहाँ, तो हवन वाला ब्लॉग 23 को नाइट में मिलेगा आप लोग को 7 बजे शाम को। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा डेकोर हो गया था और भोर के 5 बजने वाले थे, आई थिंक 5 ही बजने वाले थे और 6:45, 40, 50 पे ऐसे कुछ सूर्योदय हो गया था सुबह में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और हमारे वहाँ स्पेशली छठ में बहुत अच्छे से तैयारियाँ होती हैं और बहुत अच्छे से छठ पूजा की जाती है। आप लोग बताइएगा कि कैसे होती हैं आपके वहाँ, हमारे जैसी ही होती है कि किसी और तरीके से होती है छठ पूजा, तो बताइएगा कमेंट करके। और ये मैंने पहली बार आप लोग के सामने, मतलब ये वाला फ्रॉक सूट मैंने पहना था, कैसा लग रहा था कमेंट करके बताइएगा। और बुआ वहाँ मैं, हम लोग 3 दिन से हैं, आई थिंक कि 19 तारीख को हम लोग आए, 19 को सिस्टर आई और 19 के रात में मैं आई, तब से हम लोग बुआ वहाँ ही हैं। ये कहिए कि आप लोग का वीडियो देने के लिए हम लोग बहुत, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, क्योंकि हम पहले ही सोच के रखते हैं कि कब वीडियो पब्लिश करनी है, क्या वीडियो है, कहीं जाना है तो पहले से वीडियो तैयार करके रखना होता है, क्योंकि एक अपना भी रूटीन हो गया कि रोज़ वीडियो डालनी है तो डालनी है। व्यूज़ भले ही कम आते हैं लेकिन मैं पूरी मेहनत अपने तरफ से देती हूँ, बेस्ट रहती हूँ अपने तरफ से। और बहुत ही ब्लॉगिंग में क्या है, सब लोग नॉर्मली ब्लॉगिंग दिखाते हैं, अपना डेली लाइफ रूटीन जो जैसा करता है अपने अपने तरीके से वो दिखाता है करता है, तो सेम हम भी दिखाते हैं। लेकिन अगर कहीं आने जाने का है, 3 दिन से मैं यहाँ फंसी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो रोज़ आप लोग को दे रही हूँ और इसी में टाइम निकाल के, बहुत सारा काम भी हुआ वहाँ है लेकिन टाइम निकाल के वीडियो एडिट, वीडियो अपलोड सारा कुछ कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा सा, बस ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, आप लोग ज़्यादा मत करिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे करिए, ताकि मैं जितना मेहनत कर रही हूँ उसका नहीं ज़्यादा तो 50% मुझे कुछ तो मिले, कुछ तो मेरा बने, जैसे कि मेहनत का फल मिले मुझे, तो बस यही है। और सुबह ये सब पहले ना, जब हम लोग घाट पे अर्घ देना होता है तो औरतें जो होती हैं सिंदूर लगाती हैं आपस में, येलो वाला पीला सिंदूर लगाती हैं और बहुत लोग अपने सिंदूरे का सिंदूर लगाती हैं, तो बुआ लगा रही थी। यहाँ देखिए घाट कितने अच्छे डेकोर हुआ था और ये बुआ के गांव के जो प्रधान है शायद उन्होंने करवाया था, तो देखिए कितना अच्छा डेकोर है। और यहाँ पे भी बुआ वहाँ भी घाट पे मंदिर है, जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा मेरे गांव पे जो घाट है वहाँ पे भी मंदिर है, लेकिन बुआ वाले गांव पे भी मंदिर है घाट पे। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुबह में, उतना भीड़ नहीं था कोरोना के वजह से, और फिर भी बहुत अच्छा मना हम लोग का घाट। और देखिए सारे लोग हाय हाय बोल रहे हैं आप लोगों से, ये मेरी बुआ के दोनों लड़के हैं, मेरी सिस्टर है और ये मैं हूँ, 4 लोग। और मैं आपको घाट दिखा रही हूँ और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए घाट कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ना बहुत सारा काम धाम हो गया था, घाट से आने के बाद से मैं किचन में चली गई थी, कुछ भी बात आप लोगों से नहीं कर पाई, नहीं कुछ क्योंकि दूसरी जगह हम रहते हैं ना, तो हमारा अपना जैसे होता है समझ नहीं आता है, अपना सेटल नहीं हो पाते कि किस तरीके से रहा। और वीडियो बनाना कोई टोक देखिए क्या कर रही हो, क्योंकि सबको नहीं पता है, बस बुआ की फैमिली को पता, उनके घर में जो उनके रिलेटिव्स आए हैं
उन लोगों को नहीं पता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि हम वीडियो बनाने लगे और कोई टोके, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं पहले समझ लेती हूँ, सोच लेती हूँ कि कहाँ किस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कहाँ मैं दिखा सकती हूँ, कहाँ मैं बोल सकती हूँ, उस हिसाब से ही मैं करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे टोके या फिर कुछ बोले कि क्यों वीडियो बना रही हो ऐसा वैसा। और अपने में ना गाँव में रहती हूँ, तो मेन है कि गाँव में अगर एक फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं सपोर्टिव हैं, तो उन लोगों के सामने दिखाने से क्या फ़ायदा, जब उनको कमेंट ही करना है, बैड कमेंट ही करना है, तो क्या फ़ायदा दिखाने से। इससे अच्छा शांत रह जाए। यहाँ सूर्योदय भी हो गया था सुबह में, देखिए सब लोग अर्घ दिला रहे थे, मतलब गांव में जो अर्घ देने वाले थे वो अर्घ दिला रहे थे। और यहाँ पे मैं और बुआ जा रहे थे लोग घाट से घर, तो ये बुआ सिंदूरा लेके जा रही थी अपना, और हम लोग घाट से घर जाएंगे। घर जाने के बाद मैंने कपड़ा भी नहीं चेंज किया था और तुरंत मैं किचन में चली गई थी। हमको लग रहा है कि 25-30 लोग का खाना था बनाना, दो तीन लोगों ने हम लोगों ने मिल के बनाया खाना। उसके बाद से मैं कपड़ा चेंज करके लेटी, और यहाँ जब खाना बन गया उसके बाद से जो रामायण बुआ के वहाँ बैठने वाला था, रामायण का पाठ हुआ, उसका पूजन हो रहा था, तो यहाँ बुआ और फूफा जी पूजन करा रहे थे। और छोटी मेरी देखिए, पता नहीं पापा को फ़ोन की थी कि कब, पापा को फ़ोन की थी कि कब आना है या फिर क्या कर रहे हैं, पापा घर पर थे तो सब लोग फोन पे अपना अपना पूछ रहे थे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तुझे पूजनिया भैया करावे, पूजनिया भैया करावे, तुझे पूजनिया भैया करावे, दूसरा पूजनिया पूजनिया चाचा करावे, पूजनिया चाचा करावे, पिछवा सकल परिवार पूजनिया की साइत बनी। यहाँ मैं और छोटी ने गाना गाया, पूजन का जो होता है गाना, और भक्ति जो गाने भजन होते हैं वो मैंने गाए थोड़े बहुत। मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अनकंफर्टेबल लग रहा था रिकॉर्ड करना। मैंने थोड़ा सा दिखाया कि हाँ मैं गाना गाई हूँ या फिर पूजन हुआ है, तो मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा। और यहाँ आरती पूजन के बाद जो लास्ट में होता है, अब आई डोंट नो कि क्या हो रहा था, लेकिन पूजन ही पूजा ही हो रहा था कुछ। और यहाँ पर अब पास्ट पाठ जो है स्टार्ट होगा, तो पूजन करा के आने के बाद मैं लेट गई थी क्योंकि बहुत पेन हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी बहुत काम धाम के वजह से। यहाँ फूफा और बुआ पूजन करा रहे, यही छोटी वाली मेरी बुआ के वहाँ हो रहा है। और थोड़ा सा ये मैंने शाम का क्लिप ऐड किया है जहाँ राम और सीता जी का पाठ में विवाह वाला प्रसंग आया था, वहाँ पे सब लोग परिवार के लोगों को बुलाया गया। थोड़ा सा हमने डांस भी किया, मतलब मैंने मेरा रिकॉर्ड नहीं किसी ने किया लेकिन हमने भी किया था, तो इंजॉय करिए आप लोग। Thank you।
और यहाँ एक बाबा आए थे जिन्होंने भक्ति में बहुत खुश होके इंजॉय किया और थोड़ा बहुत अपने तरीके से डांस किया जैसे इनको आता था, और हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया इस पूजा को। आज हवन है तो आज भी थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे ही। और देखिए यहाँ पे फुफा सबको बुला बुला के डांस करवा रहे थे। अभी जिसका डांस आप लोगों ने देखा वीडियो में, वो मेरी बड़ी बुआ का बड़ा लड़का है जिसका नाम प्रिंस है। वो वीडियो में बहुत कम आता है क्योंकि बहुत साय टाइप का वीडियो में आना नहीं चाहता है, थोड़ा वो शांत स्वभाव का है। बस उसको ना गाना वाने गाने में डांस में बहुत उसका मन लगता है, और वो मतलब कि वीडियो में नहीं आता है। लेकिन वो मेरी बड़ी जो बुआ है उनका लड़का जो साथ में डांस कर रही थी वो मेरी बड़ी बुआ है, तो आप लोगों ने आई होप देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे सीता विवाह जब पाठ ख़त्म हो गया प्रसंग सीता विवाह वाला, तो यहाँ 5 औरतों को, सुहागिन औरतों को पंडित जी ने बुलाया था और इंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें।